कुछ दिन की मौन मनोबल और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक सीएम के लिए अड़े जी के शिव कुमार आखिरकार मान गए हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम वे डिप्टी सीएम होंगे और वहीं पर देर रात सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीके से बातचीत की थी। इसके बाद ही वे डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार हुए। 10 घंटे के बाद केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसका औपचारिक ऐलान किया है। इसके पहले शिव कुमार ने कहा कि मैं पार्टी के फॉर्मूले पर राजी हूँ, आगे लोकसभा चुनाव है फिर मैं जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूँ। पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सहमति दी है। डीके के भाई और सांसद डीके सुरेश ने कहा कि मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूं। दरअसल डीके सीएम बनना चाहते थे लेकिन आलाकमान पहले ही सिद्धारमैया का नाम तय कर चुका था। इस फैसले पर डीके को मनाने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बीच कई दौर तक मीटिंग चली। हालांकि इनमें कोई नतीजा नहीं निकला था। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पहले 3 से 4 दिन में हमने कोशिश कर रहे थे कि सबसे सहमति हो जाए। डीके शिव कुमार ने राज्य के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। शिव कुमार अध्यक्ष थे और सिद्धारमैया साथ थे। दोनों कर्नाटक में पार्टी के लिए बहुत बड़ा पद रखते हैं। 20 मई को 12:30 बजे ग्रहण समारोह जो है होगा और इसी के साथ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के अलावा कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। कांग्रेस ने आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के सेंट्रल ऑब्जर्वर भी पहुंचेंगे। कांग्रेस ने 13 मई को 224 सीटों में से 135 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था।